लो आप हाथ में ले लो दोस्त, आप उनका माइक भी हाथ में ले लो। ये फ्रेम चाहिए आपको? ठीक है, लेटे लेटे दो। मैम सबसे पहले आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, जैसे आपने ट्रेन के लिए कहा वाह, बिल्कुल आप वैसे ही लग रहे हैं। मैंने नहीं कहा सबने बोला ट्रेन जो चल रहा है उसको देख ट्रेन जो चल रहा है लुकिंग लाइक अ वाह, थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस ब्यूटीफुल आउटफिट के बारे में आप? आज ये आउटफिट मोहित ने मुझे दिया है एंड ही इज ऑलवेज स्टाइलिंग मी, सो प्लीज मोहित प्लीज आइए और सबको बताइए कि किस तरह से आपने सोचा है मुझे आज इस तरह का आउटफिट देने के लिए। आज लुकिंग लाइक अ वाव डे है, अ वाव लुक विद अ वाव गर्ल, आई मस्ट से दैट, बट ऑनेस्टली शी लुकिंग सो प्रिटी एंड ये कलर बहुत उनके ऊपर ठीक आ रहा है एंड बहुत एक्टिव जोन में आज हम चल रहे हैं। दिवाली हाल ही में गई है एंड उन सबको ध्यान रखते हुए वेडिंग सीजन आ रहा है, वेडिंग लुक्स में भी जा सकती है, रिसेप्शन लुक कैन बी पार्ट ऑफ दिस एंड बहुत लाउड मेकअप ना करते हुए, बहुत लाउड ज्वेलरी ना देते हुए बेसिक टच रखा है एंड बेसिक ही ज्वेलरी दी है ताकि लुक पूरी एनहेंस हो के निकले। ग्रेट, आपने बहुत सारे डिजाइन और कपड़े बहुत लोगों ने एक्ट्रेस ने पहने भी, लेकिन आपने जब मैम के ऊपर ये पहली बार आउटफिट देखा तो आपका सबसे पहले क्या रिएक्शन? जब मैंने उनकी प्रोफाइल स्टडी किया, डेफिनेटली वी स्पेंड टाइम यू नो आर्टिस्ट की प्रोफाइल स्टडी करते हैं एंड ये कलर उनकी पर्सनालिटी के देखते मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई वाज श्योर अबाउट इट। और सबसे अच्छी बात है उनको आइडिया भी था कि आज क्या क्या लुक्स वो पहनने वाले हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है, इसने मुझे बोला शूट करना है, लाइक ओके आई विल कम। या आई एम हैप्पी एंड सबसे अच्छी बात ये है कि विंटर सीजन में इस तरह के कलर्स बहुत अच्छे से खिल के आते हैं और आई थिंक इसलिए ये कलर अच्छा लग रहा है क्योंकि वेदर भी ऐसा ही है एंड डेफिनेटली अब नवंबर दिसंबर हम लोगों के इंडिया में शादियों का टाइम होता है तो लोगों को अच्छा लगेगा ये कलर देखने में एंड आई थिंक उनको कुछ आइडिया मिल जाए तो इट्स अ वेरी कैची कलर। जिस तरीके से आपने शादी की बात की, अगर आपको मौका मिले ये आउटफिट पहन के किसी की शादी में जाने का तो किसकी शादी में जाना पसंद करेंगे? किसी की भी शादी में चली जाऊंगी यार। शादी कोई करे तो सही। लेकिन जब बात करो मैं शादी की और बात करो सीजन के, तो इन सीजन पे बिग बॉस भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पर है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बिग बॉस 17 के बारे में, कैसा लग रहा है गेम? मैं ऑन एंड ऑफ देख रही हूँ, मुझे बिट्स एंड पार्ट्स में मुझे पता है जब जियो की कोई क्लिप दिख जाती है कुछ अच्छा लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि क्यों ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अभी तक मैं मुझसे वही अभी सवाल किया कि आपको कौन सही लग रहा है, मतलब कौन रियल लग रहा है कौन फेक लग रहा है, लाइक अभी तक मुझे कोई रियल पर्सनैलिटी लगी नहीं है कि जिसको मैं सपोर्ट करूँ, मतलब जिससे मुझे प्यार हो जाए। हाँ मुनव्वर मुझे, ओके थैंक यू, मुनव्वर मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, शांत उनका नेचर है तो वो एक मुझे कहीं ना कहीं अच्छे लग रहे हैं, उनको शायद मैं आगे जाके सपोर्ट करूंगी। मैं अभी भी ऐसा ही है, न्यूट्रल है मेरा, बट एज फार एज नाउ अभी तक उनके अलावा मुझे कोई अभी तक रियल पर्सनालिटी नहीं लगा है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है सब प्रिटेंड कर रहे हैं। अंकिता एंड विकी को लेकर आपकी क्या राय है? अंकिता एंड विकी बहुत सोच समझ के उस शो के अंदर गए हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने शायद देखा है और घोल के शायद पिया है उस शो को, तो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी प्रिटेंडिंग ही चालू है उन दोनों की, लड़ाइयाँ हो रही हैं। मैं नहीं कह सकती कि कितनी सही है या कितनी गलत, फेक है, गलत इन द सेंस फेक है, तो मुझे नहीं पता है अभी कि क्या है दोनों का, अभी कुछ टाइम बाद आई थिंक समझ में आएगा। अगर सच में लड़ाई हो रही है तो आई एम रियली सॉरी, बहुत बुरा हो रहा है। जिस तरीके से आपने मुनव्वर की बात की, क्या लगता है मुनव्वर विनर बनेगा तो उसको क्या अपने अंदर कुछ चेंजेस आने चाहिए या जैसा चल रहा है चला? नहीं नहीं, अगर वो विनर बन रहे हैं तो इसका मतलब वो हैं परफेक्ट और वो डिजर्विंग हैं उस शो के लिए। अभी तक तो मुझे वो बहुत अच्छे लगे हैं, बोलने उठने की हर चीज़ की तमीज़ है उस शख्स के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो बनते हैं विनर तो मैं खुशी होंगी। एंड बात करूँ अगर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट से तो कहाँ कुछ क्या करते हुए नजर आएंगे आप? मैं आप लोगों को बहुत जल्द इंशाल्लाह मोस्टली फरवरी में मेरी वेब सीरीज रिलीज होगी और उसी का शूट अभी मैं कर रही हूँ, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है तो मैं भी उसी का वेट कर रही हूँ अपने फैंस की तरह। ग्रेट, अगर बात करूँ कंटेस्टेंट्स की तो जड, एलविश ये भी एक नए शो में नजर आ रहे हैं जो जियो सिनेमा पे चल रहा है, ऐसा लगता है जेड को एक सही जगह मिल गया, बहुत लंबा बिल्कुल सही प्रोजेक्ट मिला जेड को, जेड जेड के लिए परफेक्ट है टेम्पटेशन आइलैंड एंड ही इज एंजॉयिंग इट बहुत ज़्यादा, वो उसको मजे आ रहे हैं, तो आई एम श्योर कि ठीक है भी चल रहा है। एलविश और अभिषेक भी एज अ यू नो एंटरटेनर अंदर गए हैं, वो लोग एंटरटेन कर रहे हैं, होस्ट बने हुए हैं, तो अच्छी चीज़ है, कुछ नया देखने को मिल रहा है सबको। कोई रियलिटी शो की बात करें तो कोई ऐसा रियलिटी शो जिसको चाहती कि यार मैं भी कोई हिस्सा बनना चाहूँ? आई वुड लव टू डू झलक दिखला जा, डांसिंग इज
my passion, so I would love to do it. झलक की बात की तो शिव अभी अंदर है जी, क्या लगता है शिव के जो ठुमके वो कैसे लगेंगे? देखा मैंने शिव का, मैंने प्रोमो देखा मल्हारी पे, उन्होंने परफॉर्म किया है और अच्छा लगा मुझे, बिकॉज आई थिंक ही उनका, मैंने हमेशा उनको ना ऐसे स्टंट्स करते देखा है या बिग बॉस में देखा, मैंने उनको कभी डांस करते हुए नहीं देखा था. फॉर मी इट्स अ चेंज, शिव को मैं डांस करते हुए देख रही हूँ तो अच्छा लग रहा है. और अभी आई एम श्योर कि अभी और भी कंटेस्टेंट्स के मैंने वीडियोज़ देखने बाकी हैं, तो जब तक मैंने देखा है शिव को देखा है, बहुत अच्छा किया है. ग्रेट. लास्टली अपने फैंस ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई हो और आने वाले दिनों के लिए आप सबको बहुत 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 मुबारकबाद, क्योंकि क्रिसमस भी है, न्यू ईयर भी है, अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिएगा, एंड आई लव यू ऑल. थैंक यू सो मच. थैंक यू.